गांव का अच्छा विकास वहीं के ग्रामीणों ने काम से ज्यादा ग्राम पंचायत के प्रधान की जमकर प्रशंसा की। प्रधान के द्वारा जो काफी सालों से रोड जर्जर पड़ी थी, गड्ढा था, रोड पर पानी भरा हुआ था, बारिश में लोग गांव के तो छोड़ो बाहर के जब आते थे तो वह भी गिर जाते थे, उसमें आज वही प्रधान के द्वारा इंटरलॉकिंग और RCC भी करवा दी गई है। जिस गांव में कोई भी जाने से इनकार करता था, अब उसी गांव में एक बहुत ही अच्छी रौनक है। काफी लोग बुराइयां करते थे। आपको बता दें, इस वक्त मौजूद हम बाराबंकी जिले के विकासखंड सिद्धौर ग्राम पंचायत हम सिरुआ टिकरिया में। आई यहाँ की हम बात करते हैं कि कुछ दिन पहले बारिश में यहाँ की जो रोड की स्थिति थी इस तरीके की थी कि जो गांव के लोग आते जाते थे, बाहरी कोई आता था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा था। वही मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि इस रोड को पूरा तरह दिखाना चाहे किस तरीके से इंटरलॉकिंग लगी यहाँ पे। ज़रा अर्ज भैया, ये देखिए किस तरीके की पूरी रोड बनी हुई है, इंटरलॉकिंग लगी हुई है, अब कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। वही मैं आपको बताऊंगा, सबसे ज़्यादा सिद्धौर ब्लॉक के विकासखंड सिद्धौर ब्लॉक जो है सभी ग्राम पंचायतों से ज़्यादा यहाँ पे विकास हुआ है। आइए यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करते हैं कि प्रधान किस तरीके से कार्य करवाए हैं यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम धनंजय यादव है जी। आप छोड़ दीजिए इसको। हमारा नाम धनंजय यादव है जी। मैं जो है ग्राम पंचायत हमसरुआ टिकरिया का निवासी हूँ जी। जो है विकास कार्य जो हमारे यहाँ ब्लॉक में सबसे ज़्यादा जो है हुआ है, जो यहाँ के प्रधान है रंजीत कुमार मिश्रा, जो ये इंटरलॉकिंग बनी है, ये इंटरलॉकिंग काफ़ी ज़्यादा जो है पहले, इसके पहले जो पानी भरा रहता था, गड्ढा रहता था, जब बरसात हो जाती थी जो है आने जाने में बहुत दिक्कत रहती थी, इसलिए जो है जब प्रधान ने इंटरलॉकिंग लगवाया तो बहुत ज़्यादा आराम है अब, और जो है आराम है और जो है आने जाने वालों को भी बहुत आराम है, और ये इंटरलॉकिंग बहुत ही अच्छी लगी है। अच्छा, ये बताइए जो शौचालय आपके यहाँ पे बने हैं किस तरीके से बने हैं, एकदम बढ़िया बने कि घटिया किस्म के बने, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ जो शौचालय बनवाए गए हैं प्रधान द्वारा, वो बहुत ही नंबर एक के शौचालय बनवाए गए हैं, जिससे लगभग में 100% में 90% लोग यूज करते हैं। और जो है कुछ शौचालय हैं जो लोग मतलब कम यूज करते हैं, लेकिन जो शौचालय बने हुए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं जी। बिल्कुल, जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा साइड में कि ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोग और गांव के कई लोग इकट्ठे हैं, आइए उनसे भी उनकी राय लेते हैं, उनसे बात भी करते हैं। आइए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। मैं ग्राम पंचायत तुमसुबा का निवासी हूँ जी। ये बताइए जो आपके यहाँ पे पहले पानी भरा रहता था आपके घर के सामने, अभी ये इंटरलॉकिंग लग गई है, RCC बन गई है, अभी मतलब कुछ क्या फील कर रहे हैं आप लोग अभी? अभी तो हम लोग पहले से बहुत बेटर फील कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये सिचुएशन थी कि यहाँ कोई भी बाहर का आदमी आता था, बाहर का नहीं, हम ही लोग को बहुत दिक्कत होती थी। हमारे घर के सामने इतना पानी भरा रहता था कि हम लोग को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जब हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आती तो बाहर वालों को जाहिर सी बात है आनी है। तो अभी हमारे यहाँ जो प्रधान जी हैं रंजीत कुमार मिश्रा जी, उनकी देख रेख में यहाँ का काम बहुत अच्छा हुआ है, अभी हम लोग पहले से बहुत बेटर फील कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जो प्रधान जी आपके यहाँ के हैं, वो मतलब उनका रवैया किस तरीके का है, ग्राम पंचायत के लोगों से किस तरह मिलते हैं, किस तरह बातें करते, कुछ कहना चाहें? नहीं, रवैया अच्छा है उनका, सभी से मिलते हैं वो, सभी गरीबों के प्रति उनका हाल चाल जाके उनके पास जाके सबसे बराबर उनसे बातचीत होती है जी। तो कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा कि एक दादा खड़े हैं हमारे यहाँ पे। दादा, ये बताइए आपका शौचालय बना है? हाँ बना है। क्या नाम है आपका? राम दुलारे नाम। शौचालय बढ़िया बना है आपका? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास बना है। ये तो नहीं कि मतलब टूटा फूटा बनवा दिए हैं, इस तरीके से आप झूठ कह रहे हो? बढ़िया बना है, बढ़िया बना है। मैं तो बराबर यूज करता हूँ। अच्छा, तो जो ये रोड बन गई है, कुछ मतलब बहुत समस्याएं थी यहाँ पे, जैसे कि बारिश में कई लोग आते थे यहाँ पे, गिर भी जाते थे, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो अभी जो ये RCC बन गई है, इंटरलॉकिंग लग गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरे ही दरवाजे के सामने है, मुझे भी बहुत बड़ी तकलीफ होती थी, मेरे बच्चे भी इसमें गिर जाते थे, हमको तक अब इस समय आने जाने वालों के लिए बहुत आराम है, हमारे लिए तो खुद बहुत ही आराम जी। और ये बताइए प्रधान जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कैसे हैं कैसे नहीं हैं? हमारे लिए प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, हर वक्त हम अपना जो है समस्या बताते हैं और हमारा हल करते हैं जी। तो जैसा मैं बता दूं कि काम से ज़्यादा जो यहाँ का कार्य हुआ उससे ज़्यादा लोग प्रशंसा कर रहे हैं ग्राम के पंचायत के जो प्रधान है रंजीत कुमार मिश्रा जी। आइए, कुछ लोग और हैं, उनसे मैं पूछूँगा।
उनसे मैं पूछूंगा प्रधान के बारे में कि वो किस तरीके का व्यवहार गांव के लोगों के साथ में करते हैं और कार्य किस तरीके से वो अपना करवाते हैं। दादा क्या नाम है आपका? अच्छा आप नहीं बोलोगे। उस गांव की ओर आज देखने वाली बात तो यह है, बहुत ही अच्छी कार्यशैली है ग्राम पंचायत प्रधान की, लोग प्रशंसकों के ऊपर प्रशंसा करते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान ने बताया कि जितना भी कार्य आया था हमारे ग्राम पंचायत का, हमने सारा कार्य करवा दिया। जो कार्य नहीं कराने योग्य था, कुछ आला अधिकारियों की काली करतूतों की वजह से कुछ कार्य नहीं पूरा हो पाया है। हालांकि जितना कराया था वह हमने करवा दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस ग्राम पंचायत का जो ग्राम विकास अधिकारी है, उसकी बार बार अदला बदली के कारण ग्राम पंचायत के प्रधान पूर्ण रूप से कोई भी कार्य ढंग से नहीं करवा पाते हैं। आए दिन ग्राम विकास अधिकारी का तबादला होता रहता है। मेहनत से काम कराने के बाद जो है जब भुगतान नहीं होता तो बहुत परेशानी होती है। लेबर पेमेंट है, जहाँ से सामान लाए हैं उसको भी देना है। और यहाँ काफ़ी समय से दो पंचायतें हमारे गांव में हैं, राजस्व गांव, लेकिन एक सफाई कर्मी अब नियुक्त हुआ है। महीना दो महीना पहले सफाई कर्मी सुनने में आया था प्रधान जी, आपके गांव में कोई सफाई कर्मी आता ही नहीं था। हाँ, मैंने उसके जो है पेरोल पर दस्तखत फिर भी नहीं किया, क्योंकि उसने मुश्किल से चार छः दिन आया, तो इसलिए हमने वीडियो साहब से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा आप जो है पेरोल रोक दीजिए तब ये आएंगे। तो अब आने लगे हैं, समस्या का समाधान थोड़ा थोड़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे भुगतान नहीं होता है काम कराने के बाद। पक्षी द्वारा कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करने के कारण भुगतान रुक जाता है, और कुछ अधिकारियों की जो है कमियाँ हैं उसकी वजह से काम प्रभावित होता है। अन्यथा मैं इसको जो है आदर्श ग्राम पंचायत से भी अच्छा बनवा देता जी, क्योंकि हमें काम करने की जो है लालसा है, जितना काम कराएंगे उतना हमारा नाम होगा और जनता को लाभ मिलेगा। क्या नाम है प्रधान जी आपका, पूरा क्या नाम है? नाम रंजीत कुमार मिश्रा है। कौन सी ग्राम पंचायत है? पंचायत अमसरुआ जी, ब्लॉक सिद्धौर जी, बाराबंकी है।